अगर यहाँ के किसानों को सूखाग्रस्त नहीं मिला तो मैं आवाज उठाते रहूं, अगर यहाँ के किसानों को सूखाग्रस्त नहीं मिला तो मैं आवाज उठाते रहूं, अगर यहाँ के किसानों को सूखाग्रस्त नहीं मिला तो मैं आवाज उठाते रहूं। ये दुर्भाग्य है, एक तरफ किसान का फसल सोयाबीन मक्का, दूसरे तरफ पानी कम, तो दोनों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करें। मैं यही तो आग्रह कर दिया, और हमें किसी की गंभीरता और हल्केपन से हम काटते नहीं है, काटिए हम पिता काटते नहीं है, आप काम हम काटते ही नहीं, हम जोड़ते हैं। अच्छा, वशिष्ठ सिंह का बयान आया है कि गिरिराज सिंह के बयान को जदयू गंभीरता से नहीं लेती है। मैं उसकी गंभीरता से लेने के लिए मैं उनको क्यों आग्रह करूं? वो गंभीरता से ना लें, वशिष्ठ नारायण सिंह हल्के ढंग से लें, वो उनकी मर्जी है। मैं बेगूसराय का जनप्रतिनिधि हूँ, अगर बेगूसराय के किसानों को असुविधा है, अगर पानी 18 जिलों को सूखाग्रस्त माना है, मैं रेनफॉल का डेटा देख रहा था, कई जिला, मैं जिलों का नाम नहीं लेना चाहता, जो जिला उस जिले से कम वर्षा हुई है बेगूसराय में, मैंने यही कहा कि बेगूसराय की गजब स्थिति है, एक तरफ बाढ़ आया है, सांभो प्रखंड है, मटिहानी प्रखंड है, साहेबपुर कमाल और बलिया है, और बछवाड़ा का चमथा है। तो ये दुर्भाग्य है, एक तरफ किसान का फसल सोयाबीन मक्का डूब गया, दूसरे तरफ पानी कम हुआ, तो दोनों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करें। मैं यही तो आग्रह किया, अगर इस आग्रह को न गंभीरता से लें, सरकार में हम और वो दोनों हैं, मैं सरकार से अपील करता हूँ, मैं वशिष्ठ नारायण सिंह से नहीं अपील करता, मैं जदयू से अपील नहीं करता, मैं सरकार से अपील करता हूँ, सरकार बेगूसराय के किसानों की सूध ले, और किसानों की सूध ले, अगर यहाँ दूसरे जिलों से कम वर्षा हुई है तो इसे भी वही लाभ किसानों को मिले जो दूसरे जिलों में मुआवजा दिया जा रहा है। मैं तो यही सर, जब यहाँ सरकार सत्यापन व्यवहार करिए बेगूसराय से, अगर ये पब्लिसिटी है तो मुझे मुबारक है कि मैं किसानों की पब्लिसिटी को बढ़ाते रहूंगा, अगर यहाँ के किसानों को सूखाग्रस्त नहीं मिला तो मैं आवाज उठाते रहूंगा।